Hi guys, this is Faisal from Bollyworm.com और आज मैं बात करूंगा वो तीन मूवीज के बारे में जो इस हफ्ते रिलीज हो रही है. वो है तीन बहुत ही अच्छी फिल्म्स. एक है फन्ने खान, सेकंड इज कारवां एंड थर्ड इज मुल्क. तीनों ही मूवीज बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से. पहले हम बात करेंगे फन्ने खान मूवी के बारे में. इसमें है स्टारकास्ट अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय एंड राजकुमार राव. फन्ने खान में अनिल कपूर डायरेक्टर के साथ मिलके फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग के टॉपिक को टैकल कर रहे हैं और ये काफ़ी सीरियस हो सकता है, बट इट विल बी अ फन एंटरटेनर जो आप फैमिली के साथ देख सको. सेकंड पे आएंगे हम कारवां. सो कारवां मूवी में दुलकर सलमान इज मेकिंग हिज डेब्यू. ही इज अ मलयालम सुपरस्टार ममूटी सन और वो खुद भी काफ़ी पॉपुलर है साउथ में, तो ये उनका डेब्यू होगा. उनके साथ है मिथिला पालकर जो मराठी मूवी मुरम्बा में जिसने एक्टिंग की थी, उन्होंने एक वेब सीरीज भी की थी जो काफ़ी सक्सेसफुल है. एंड इरफान खान है इस मूवी में, तो परफॉर्मेंस के वाइज तो आपको पता ही है जब इरफान खान हो मूवी में और अगर वो एक फनी रोल में हो तो कहना ही क्या. एंड द थर्ड मूवी विच इज कमिंग वो है मुल्क, जिसके अंदर है तापसी पन्नू, ऋषि कपूर, प्रतीक बब्बर एंड आशुतोष राणा. मुल्क मूवी में इस्लामोफोबिया को टैकल कर रहे हैं जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है. तो अगर आप मुझे पूछोगे, मेरे हिसाब से फन्ने खान का कलेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट एंड फैमिली एंटरटेनर है, आप सबके साथ जाके देख सकते हो. उसके बाद कारवां होगा बिकॉज कारवां इरफान खान की बीमारी को लेके लोग काफ़ी थोड़े बहुत सेंसिटिव है, तो वो आएंगे मूवीज़ देखने को. एंड इरफान खान की मूवी ऐसे भी अगर फनी है तो वो चलती ही है. सो सेकंड इज़ कारवां एंड थर्ड इज़ मुल्क बिकॉज सीरियस ड्रामा है और इस्लामोफोबिया जैसे टॉपिक को काफ़ी ओपनली डिस्कस लोग करते हैं नहीं. तो मेरे हिसाब से द नंबर वन मूवी विल बी फन्ने खान, बट इफ़ यू आस्क मी माई फेवरेट इज़ कारवां बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज़ दुलकर सलमान, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इरफान खान, एंड ऑल्सो द म्यूजिक इन द मूवी इज ब्रिलियंट बिकॉज कारवां में एकदम फ्रेशनेस लाया है मूवी में. रोड ट्रिप मूवी है, यंगस्टर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके देख सकते हो. सो फन्ने खान, कारवां एंड मुल्क. सो जहां तक बात रही कलेक्शन की, मेरे हिसाब से फन्ने खान का कलेक्शन फर्स्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज ऑफ द स्टार कास्ट, जो कमा लेगी करीब करीब ओवरऑल कलेक्शन की मैं बात करूँ तो 25 से 30 करोड़. और जहां तक कारवां का सवाल है, कारवां का अगर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई, स्टोरी काफी अच्छी रही, तो वो फन्ने खान को बीट कर सकती है. और सब में से डार्क हॉर्स निकलेगी मुल्क. अगर ये दोनों मूवीज नहीं चली तो मुल्क का टॉपिक को लेके वो काफी सेंसेशनलाइज हो सकती है एंड मुल्क कैन ऑल्सो कम आउट एज अ विनर. दिस वॉज आवर प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवर्म.